दाद खाज खुजली मिटाने का एक सरल उपाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने दाद खाज खुजली को हमेशा के लिए हटा सकते हैं, और आज हम एक ऐसा सरल उपाय लेकर आए हैं जिससे आपकी दाद खाज खुजली तो हटेगी ही, साथ ही साथ जिंदगी में दोबारा आपको कभी दाद खाज खुजली से जूझना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दाद खाज खुजली हमारी स्किन से जुड़ी हुई समस्या होती है। जैसे हमारी त्वचा पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने पड़ते हैं और पसीना आने पर हमें खुजली होती है और वहां पर लाल रंग के निशान और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, और इसी खुजली को दोस्तों हम एक्जिमा रोग भी कहते हैं, जो कि मुख्य तौर पर हमारी उंगलियों के बीच में, हमारे हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में, हमारे मुंह पर, हमारी गर्दन पर, जहां पर पसीना आने से हमारी खारिश बढ़ने लगती है और वहां पर दाद खाज खुजली जैसी समस्या होती है। और आज हम कुछ ऐसी घरेलू चीजों का प्रयोग करेंगे जिससे आप इस समस्या से, अपनी दाद खाज खुजली से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। इस दाद से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहली चीज जो दोस्तों आपको यहां पर लेनी है वो है ये नीम का तेल। आपको दोस्तों नीम का तेल आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह के कुछ नीम के पत्ते लीजिए और आप 20 से 25 नीम के पत्तों को एक कटोरी पानी में अच्छे से उबालिए, और तब तक उबालिए जब तक ये पानी एक चौथाई ना रह जाए, और इस तरह से ये आपका नीम का तेल जो है एक तरह से तैयार हो जाएगा। त्वचा से जुड़े हुए किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दोस्तों नीम के पत्ते बहुत फायदेमंद है। और इसे लगाने से पहले हम यहाँ पर एक और चीज को तैयार करेंगे, और उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों हर घर में लगा होता है। आपको इस तरह से एक प्योर और फ्रेश एलोवेरा लेना है, और इसे हम यहाँ पर काट कर इसका 1.5 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल निकालेंगे। फंगल इन्फेक्शन दोस्तों खुजली से सबसे ज्यादा बढ़ता है, और खुजली को खत्म करने के लिए एलोवेरा सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपकी स्किन पर मॉइस्चर लेकर आता है और ड्राइनेस और इन्फेक्शन से होने वाली खुजली को खत्म करता है। आप यहाँ पर इसे दोस्तों 1.5 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल को निकाल लीजिए। आप इसे एक कटोरी में डालिए, और फिर हम यहाँ पर इसमें डालेंगे कपूर को। कपूर दोस्तों पूजा के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे दादा परदादा शुरू से ही इसे अपनी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद मानते हैं, और इसीलिए इसका प्रयोग किसी भी तरह के दाग, धब्बे, पिंपल की निशानी या किसी फंगल इन्फेक्शन जो हमारी त्वचा पर बढ़ने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आप इस तरह से एक कपूर की टिकिया निकालिए और उसे जो है बारीक पीसिए। अब किसी भी वजनदार चीज से इसका बारीक पाउडर बनाकर हम यहाँ पर इसे एलोवेरा में मिलाएंगे। अब ये जो है इस 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल में इस कपूर को डालकर अच्छे से हिलाइए। आप दोस्तों इसे अच्छे से मिलाकर इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे, और ये जो सरल उपाय जो हमने आपको बताया है ये जितना आसान है बनाने में उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसे कैसे लगाना है। दोस्तों किसी भी दाद पर कोई रेमेडी लगाने से पहले आप सबसे पहले उसे हल्के गर्म पानी से अपने दाद को साफ कीजिए, जिससे फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने वाले कीटाणु वहां से साफ होंगे, और फिर आप इस तरह से इस पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, और जहां पर भी आपके दाद है, जहां पर आपके रेडनेस है, खुजली बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, वहां पर आप इसे इस तरह से इस पेस्ट को लगाइए। इस पेस्ट को दोस्तों आप अच्छे से लगाते हुए इसे कवर करें। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पूरे इन्फेक्शन पर आप इसे बराबर से लगाएं, और लगाते समय हल्के कॉटन का इस्तेमाल करें, हाथों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो फिर से ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और जब ये सूख जाएगा तब आप फिर से हल्के गर्म पानी से इसे साफ कर लें, और फिर आप इस्तेमाल कीजिए इस नीम के तेल का। नीम का तेल दोस्तों इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसमें पाई जाने वाली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आपके दोस्तों रेडनेस को भी खत्म करेंगी। अब इसे लगाने के बाद अपनी स्किन पर इसकी मालिश कीजिए, जिससे तेल आपके दाद खाज में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। 3 दिन में ये उपाय दोस्तों आपको एक बेहतरीन रिजल्ट लाकर देगा। आपके दाद खाज खुजली, रेडनेस पूरी तरह से गायब होंगे, और लगातार इसके इस्तेमाल से दाद के बाद होने वाले निशान भी खत्म होंगे। स्किन बिल्कुल इवन होगी और ऐसा लगेगा जैसे वहां पर कभी दाद खाज खुजली थे ही नहीं। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।